एमएफसी को पहले नहीं जानते थे, अब हमें जानकारी मिल गया है। जब हम एमएफसी परिवार में नहीं आए थे, उसके पहले हमारा जीवन बिल्कुल एक नरक की तरह था। हम पति पत्नी एक साथ तो रहते थे, लेकिन यीशु के प्यार को नहीं जानते थे और एक दूसरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। चर्च आते थे और एक दूसरों से मिलते भी नहीं थे और एक दूसरों से बातचीत भी नहीं करते थे, इतना तक कि हमें बाइबल पढ़ना भी नहीं आता था। जब 2013 में एमएफसी परिवार हमारे होशियारपुर में आया, तब हमें 3 दिन का क्लास दिया गया। उसमें हमें सिखाया गया कि पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करना चाहिए और खास करके यीशु को एक दूसरे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही हर मनुष्य को बनाया है और हम सब ईश्वर के संतान हैं। इसलिए सबके हृदय में यीशु निवास करते हैं, इसलिए यीशु को देखना चाहिए। जब हमें इस तरह सिखाया गया, तब मैंने सोची कि मैं अपने पति से इतना लड़ाई झगड़ा करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो मैं उसके ऊपर कैसे यीशु को देख सकती हूँ। लेकिन जब हमने देखा, पहचाने और समझे कि सच में यीशु सबके हृदय में निवास करता है और सबको बनाया हुआ है, तो उस समय से हमारा जीवन मतलब अच्छा हो गया और अब हम दोनों अच्छे हैं। और जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम या सेमिनार के लिए जाना पड़ता है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम में जाएं और हम अपना गवाही दें कि हमारा जीवन किस तरह अच्छा हो गया। इसलिए हम सब एमएफसी परिवार को धन्यवाद देते हैं, खास करके ईश्वर को, कि ये एक एमएफसी परिवार बनाया है हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे ख्रिस्तीय परिवार को बचाने के लिए।